पहले बोल रहे थे डीएसपी साहब रणविजय साहू बोल रहे थे, आप ही के क्षेत्र में आए हुए हैं कौवा कॉल थाना क्षेत्र में। अच्छा, ये जो घटना घटी है अमरदीप साहब वाला, उन्हीं के पीड़ित परिवार के हम घर पर हैं। डीएसपी साहब ऐसा है कि अभियुक्त तो अभी तक पकड़ाया भी नहीं, चार रोज हो गया है, और उल्टे क्या है कि अभियुक्त का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है, मान लीजिए ट्रैक्टर वगैरह 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 है, वो सब जो है लोकल थाना के मिली भर से उस सबको अपने घर से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा है। ये तो बड़ा गंभीर मामला है। कौन कर रहा है? उसका परिवार का लोग कर रहा होगा, और अभी हम आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, हजारों लोग हैं। उनका यही कहना है इस घर का बच्चा भी चला गया जो अभी 6 महीना पहले ही शादी हुई थी उसकी, और उसकी माता को, पत्नी को, उसके परिवार के लोगों को पीटा भी गया, पुलिस पीटी। ये भी तो जगन्ना, ये तो जिस घर का चिराग भी चला गया उसके बाद पुलिस पीटती है, ये तो सही नहीं है डीएसपी साहब। और ये है कि अभी तक थाना प्रभारी या आप भी एक बार भी पीड़ित के घर पर आंसू पोंछने भी नहीं आए कि भाई आप डीएसपी हैं, वो थाना प्रभारी है, मतलब ये भी तो मानवीय सही नहीं है। हम लोग देखिए वो मोरवा समस्तीपुर से आ गए, अब सोचिए डीएसपी साहब आप भी इंसान हैं, इस व्यक्ति को धमकी मिल रहा है कि तू लोग गवाह बदल लो, आखिर कौन मेरा अभी तो शारीरिक तौर पर बोला ही हटाना पड़ा गवाह को यहाँ से। देखिए बोल रहा है, आवाज सुन रहे, कह रहे की हटाना पड़ा गवाह को, ये अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो इन लोग को ताकत मिलेगी ना, बल मिलेगा ना। देखिए तो पूरा लोग दहशत में है डीएसपी साहब। कल हमारे जिला में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं समीक्षा बैठक में, है ना, हम निश्चित तौर पे गुहार लगाएंगे उनसे समस्तीपुर में, और आपसे अनुरोध है कि आप इस केस को गंभीरता से देखिए, आप इसको न्याय दीजिए। नहीं अभी नहीं, लोगों को कह रहा है केस सेटल करो, मतलब गवाह बयान बदल दो, है ना। सुरक्षा भी दिया जाए, ठीक है डीएसपी साहब, सुरक्षा तत्काल दिया जाए इसको। कल कल मतलब मुख्यमंत्री को चर्चा कर, नंबर है ना।